निर्दोष आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जो कि केवल फोटो का इस्तेमाल करके आज बहुत अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। और आज इनके वीडियो बनाने का जो टिप एंड ट्रिक्स है ना, वो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि यूट्यूब के पैसे से आज क्या क्या खरीदा है, ये भी आप देखोगे। मेरे दोस्त, आज की कहानी से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और पैसा कमाने का एक नया रास्ता के बारे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहां से हो और आपके चैनल का क्या नाम है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिए। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है और मैं गिरिडीह जिला से हूँ, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला से। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बिल्लू कॉमेडी है और अभी इसमें 10,23,000 सब्सक्राइबर है। और ये इनकी जो वीडियो है ना, देखिए कुछ इस टाइप की वीडियो है, टॉम की वीडियो अपलोड करते हैं, समझ रहे हो, ये टॉम की वीडियो है। हे जी, पागल की बोलिया साहबा कैसे पियवा गया जलवा दिहला गारी हो तरकारी बिना रतिया। फोटो किसी और का, वीडियो कहीं और की, आवाज भी ये खुद का सही से नहीं देते और आज अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। और केवल ये पहली बार नहीं, आज 3 साल से पैसे छाप रहे हैं, 3 साल से। और यूट्यूब के पैसे से आपने क्या क्या खरीदा, थोड़ा सा बताएंगे, बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो यूट्यूब के पैसे से एक अपाची बाइक लिया हूँ, घर बनाया हूँ और एक मोबाइल लिया हूँ। अच्छा, तो ये आप केवल इसी टाइप की वीडियो से पैसे कमाए हो? हाँ। अच्छा, और क्या क्या खरीदे हैं आपने? कंप्यूटर का सेटअप लगाए हैं घर में, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखते हैं अभी। मतलब कि सारा चीज आपने अभी ये सब वीडियो बनाकर, केवल फोटो का इस्तेमाल करके हाँ। और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आज ये सब कुछ खरीद लिया। हाँ। और आज आपको भी सिखाएंगे, तो जरा सबको चलिए आपकी थोड़ी सी मोटिवेशनल कहानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है यूट्यूब पे। तो जरा से ये बताइए कि आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे शुरुआत हुई? हम YouTube पर वीडियो देख रहे थे तो एक लड़का देखे मेरे जैसा ही था और वीडियो बना रहा था, तो हम भी सोचे कि ये लड़का वीडियो बना रहा है तो इसको पैसा वगैरह मिलता होगा, तो हम भी थोड़ा बहुत जाने YouTube के बारे में। उसके बाद वीडियो बनाने लगे, ऑर्केस्ट्रा वीडियो डालने लगे, इधर उधर से रिकॉर्डिंग करते थे और डाल देते थे YouTube पर। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा वाली वीडियो डाल देते? हाँ। उसके बाद धीरे धीरे मेरा चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो गया। उसके बाद अप्लाई किए चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, तो मोनेटाइज नहीं हुआ। दो तीन बार अप्लाई किए नहीं हुआ, तो बाद में फिर सस्पेंड हो गया चैनल, बंद हो गया। उसके बाद कुछ दिन तक छोड़ दिए, फिर एक नया चैनल बनाया बिल्लू कॉमेडी के नाम से और अभी इसमें 10,23,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। मतलब पहली गलती आपने किया चैनल पे और उससे सीखा आप? हाँ हाँ, पहले नहीं जानते थे कॉपीराइट के बारे में और बहुत कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो धीरे धीरे सीखे। उसके बाद आज यहाँ तक आप पहुँच गए। अभी ये वीडियो बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से वीडियो लाते हैं, आवाज़ कहाँ से लाते हैं, सब कुछ आज आपको बताएंगे, कंप्लीट डिटेल देंगे। लेकिन जैसे ये बताइए, बहुत सारे लोगों के पास एक प्रॉब्लम होती है कि यार उनके पास अच्छा मोबाइल नहीं होता ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो आप जब यूट्यूब स्टार्ट किए थे तो आपके पास कौन सी मोबाइल थी? मेरे पास 5,000 का एक मोबाइल था जो हम अपना खुद कमा के लिए थे और इसी से स्टार्ट किए यूट्यूब चैनल और इसी से वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करते थे। कहीं भी कुछ डांस वगैरह होता था तो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल देते थे और धीरे धीरे जब बिल्लू कॉमेडी चैनल पे डालने लगे, बनाने लगे, तो इसी मोबाइल से 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और सिल्वर प्ले बटन भी आ गया। अच्छा, इसी मोबाइल से? हाँ, इसी मोबाइल से। अच्छा, आपने क्या काम किया था उस मोबाइल को खरीदने के लिए? उस मोबाइल को खरीदने के लिए हम डॉक्टर लाइन में नंबर लगाने का काम किए थे। मतलब कि नंबर लगाने मतलब? डॉक्टर के पास रहते थे, वहाँ पे नंबर लगा रहे थे, कोई पेशेंट आता था उसका नाम लिखते थे और उसका अच्छा प्रॉब्लम क्या लिखते थे। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कितना पैसे कमाया था? वहाँ पे हमको महीना में 2,500 रुपये मिलता था और 3-4 महीने काम किए थे। उसके बाद वहाँ पे कंप्यूटर भी सीखते थे और काम भी करते थे और मोबाइल भी लिए वहीं। मतलब यार, मेहनत करके आपने खरीदा और आज यहाँ तक पहुँचा। हाँ। और बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल होने के बावजूद भी वो दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हैं, वो इतना रास्ते बता रहा हूँ फिर भी वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। रीज़न क्या है ना, अभी मैं बताऊँगा आगे कि क्यों बहुत सारे लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखकर अच्छा खासा ग्रोथ कर लिए, मेरी वीडियो देखकर बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं और कुछ लोग आज भी खाली हाथ बैठे हैं। न जाने से कितने इंटरव्यू मैंने लिया, लोग बोलते सर आपके चैनल को देखकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँच गया।
और बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम देखे जा रहे हैं। रीजन क्या है, क्या कमी है आप में, उसे पहचानो, उसे सुधार करो। ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखो और अच्छे से बातों को समझो, जो चीज पसंद आ जाए उसके पीछे लग जाओ। तो जरा से बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी किसान है, थोड़ा बहुत खेती वगैरह करते हैं, ज्यादा खेती इन लोग को नहीं है लेकिन जो है वही करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपका YouTube वीडियो जब इस टाइप का वीडियो बनाने लगे तो ये वीडियो कितने महीने बाद मेहनत करने के बाद आपकी वीडियो वायरल हुई थी? यही 6-7 महीना कम से कम मेहनत की है, लगातार वीडियो डालते थे, डेली एक वीडियो डालते थे तो धीरे धीरे ग्रो होने लगा। उसके बाद एक साल होते होते जो है सब वीडियो में 1-2 लाख भी आने लगा। अच्छा, तो जैसे देखो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हमारा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल प्रमोट नहीं कर रहा है कोई, हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। देखिए 6-7 महीने इन्होंने बताया ना कि इन्होंने मेहनत किया। 6-7 महीने आपको समय देना पड़ेगा, सफलता वक्त मांगती है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आप वीडियो अपलोड करो और तुरंत पैसा कमा के चल दो बोरी भर के, यह मेहनत लगती है। बिना पैसा का हम काम किए 6-7 महीना, उसके बाद हमको भरोसा हो गया कि नहीं अब यूट्यूब से हम कमाएंगे थोड़ा बहुत, तब जाके आप लगे रहे और आज यहाँ तक आपने पहुंचा। अच्छा, तो अब ये बताइए हमको कि ये वीडियो जो आप बनाते हो, ये वीडियो कैसे बनाते हो, कहाँ से वीडियो लाते हो? ये वीडियो काइन मास्टर से बनाते हैं और मोबाइल से बनाते हैं और सब कुछ हम खुद करते हैं और कॉपी करके बनाते हैं। जैसे यूट्यूब में कोई कॉमेडी रहता है तो कॉमेडी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यूट्यूब से ही कोई गीत वगैरह उठाते हैं और उसका वॉइस चेंज कर देते हैं, पतला कर देते हैं वॉइस और एडिट करके डाल देते हैं। मतलब यार आपने अगर देखे तो आप केवल 15 मिनट में एक वीडियो तैयार कर लेंगे ऐसा? तो हाँ, एक वीडियो बनाने में कम से कम 5-6 मिनट में ही बना देते हैं जब सब चीज व्यवस्था रहता है तब। अच्छे, 5-6 मिनट में एक वीडियो बना देते हैं। दिन में कितनी वीडियो अपलोड करते हो? एक ही वीडियो डालते हैं डेली, बस केवल एक वीडियो। और केवल 5 मिनट आप मेहनत करते हो और महीने की कमाई कितना कमाते हैं ना ये भी आपको बताएंगे कि 5 मिनट मेहनत करके महीने की कमाई कौन कितना कमा सकता है। यूट्यूब की पावर आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट रहता है कि यार यूट्यूब से पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। कुछ लोग तो केवल पैसे के लिए भी आ जाते हैं यूट्यूब पर, जिस वजह से भी फंस जाते हैं। यूट्यूब पर ग्रो करना एक तरीके से तुक्का भी काम है और प्लानिंग का भी काम है। यहाँ पर प्लानिंग आपकी बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए, आपके कॉन्टेंट में भी दम होना चाहिए। तो ये बताइए जैसे कि बहुत सारे लोग मान लो आपकी तरह अगर वीडियो बनाना चाहें तो उन्हें स्टार्टिंग में आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे आपकी वीडियो, आपकी तरह वीडियो बनाकर कैसे शुरुआत करें हो, क्या क्या स्टार्टिंग में ख्याल रखें अपना अभिचार का, अपनी वीडियो का? वीडियो जैसे आपके पास जो टैलेंट है वो आपको लगातार वीडियो बनाते रहना है, 6-7 महीना कम से कम वीडियो बनाना है लगातार। उसके बाद वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और पब्लिक को भी पसंद आना चाहिए, तब एक ना एक दिन सफल जरूर मिलेगा सफलता। अच्छा, तो आप वीडियो कितने दिन में मतलब कि कितने मिनट की आप वीडियो बनाते हो, कितने सेकंड की वीडियो बनाते हो? हम 1 मिनट से 4-5 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं। अच्छा, मतलब कि कितने वीडियो का ड्यूरेशन कितना होता है? जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो शॉर्ट्स वीडियो में भी आपके बहुत अच्छे खासे व्यूज हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो का ड्यूरेशन कितना होता है? शॉर्ट वीडियो का 15-16 सेकंड तक बस। अच्छा, तो अभी ये बताइए जैसे कि आप अभी पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से, तो अभी आपके घर वाले मतलब कि खुश हैं कि हाँ यार वीडियो से पैसा कमाया जा सकता है? हाँ हाँ, खुश है, अभी तो खुश है, लेकिन जब फर्स्ट पेमेंट आया था ना तो उस समय बोल रहे थे कि ये पैसा कौन दे रहा है, ये पैसा अभी दे रहा है, फिर बाद में अगर मांगेगा तो फिर कहाँ से वापस करेगा। मतलब ये विश्वास नहीं था कि आपने कमाया है, ये आपने सोचा कि कोई कर्ज दे रहा है बाद में मांग भी सकता है। हाँ, पैसा दे रहा है तो फिर बाद में मांगेगा तो कहाँ से वापस करेगा, और पैसा दे रहा है तो कोई खेती बाड़ी का तो रजिस्ट्री वगैरह नहीं तो करा ले रहा है। मतलब ये डर था कि आपके घर वालों की कि कहीं ये खेती बाड़ी तो नहीं ले रहा पैसा नहीं फुसा के। हाँ हाँ, तो फिर 2-3 पेमेंट आया तो फिर धीरे धीरे विश्वास हो गया कि यूट्यूब वीडियो बनाने से पैसा देता है, तो फिर अब कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी सब बढ़िया एकदम? हाँ, अभी सब ठीक है, अभी घर भी बना लिए, गाड़ी भी ले लिए हैं, कंप्यूटर वगैरह भी ले लिए हैं, मोबाइल भी अच्छा खासा। घर में आपने कितना पैसे लगाया, कितने लाख रुपए आपने घर में लगा दिए होंगे? घर में कम से कम 8 लाख लगाए होंगे। 8 लाख रुपए, वही 2-2.5 साल से।
हमने कहा आपने घर भी अच्छा खासा अपना बना लिया, गाड़ी वाड़ी सब आपने ले लिया। हाँ हाँ। तो आप अगर ये जैसे ये कहें कि आपके भी मंथली व्यूज जो आते हैं उसके अनुसार आपको भी महीने का केवल एडिसंस का पैसा कितना मिलता है? एडिसंस का भी $200 से $300 बन जाता है प्रत्येक महीना। मतलब कि $300 आपके आराम से बन जा रहा है। हाँ। और स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मिलता है? किससे? स्पॉन्सर भी मिलता है? स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर इंग्लिश हमको उतना आता नहीं इसलिए भी स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो स्पॉन्सर करना भी जरूरी है क्योंकि आपकी अर्निंग का भी अलग सोर्स वहाँ से भी आ जाएगा। क्योंकि यूट्यूबर जिस मुकाबले में मेहनत करते हैं उनका हक होता है कि भाई ज़्यादा पैसे कमाए, तभी तो गांव वाले या फिर जो गाली दे रहा है या फिर जो बोलता है यार यूट्यूब से कुछ नहीं होगा वो तो देखेगा कि हाँ यार यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। जब आप पैसे कमाओगे तब। हाँ हाँ। अच्छा, जो नए यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो को वायरल करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे उन्हें कि जो आप वीडियो बनाते हो उस टाइप की वीडियो की शुरुआत करके कैसे वीडियो वायरल कर सकते हैं? देखिए, हम सबसे पहले जो ज़्यादा भीड़ रहता है उसी गीत को उठाते हैं और उसी को डालते हैं, तब उसमें ज़्यादा व्यू आने का चांस रहता है। मतलब जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं उसकी उसी। हाँ हाँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग और सॉन्ग और ज़्यादा व्यू जिसमें रहता है, जिस गीत में ज़्यादा व्यू रहता है उसी को लेते हैं। मतलब जो भी ट्रेंड में चला उसी सॉन्ग को आपने उठाया। और अच्छा, जो टॉम होता है, टॉम का आप वीडियो कहाँ पाल जाते हो इसका? इसका ग्रीन स्क्रीन भी आता है और टॉकिंग टॉम, एक टॉकिंग टॉम कैट एप्लीकेशन भी है एक। तो आप क्या यूज करते हो, ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो या फिर टॉकिंग टैग का एप्लीकेशन यूज करते हो? ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं, ग्रीन बिल्लू का ग्रीन स्क्रीन है। अच्छा, हां टॉकिंग कैट आता है एप्लीकेशन, टॉकिंग टॉम कैट एप्लीकेशन आता है। सही बात है। तो आज देखिए ये सब एप्लीकेशन का यूज करके बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, आवाज आराम से आप 24-25 हज़ार कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है, केवल 5 मिनट मेहनत करके। आप जब डॉक्टर के पास काम करते थे तो आपको 2500 मिलता था, कितने घंटे काम करते थे डॉक्टर के पास? 8-9 घंटा करते थे। 8-9 घंटा डॉक्टर के पास काम करते थे भैया, केवल 2500 पाते थे। आज दिन के 5 मिनट में एक वीडियो बनाते हैं, महीने के 30-35 हज़ार कमाते हैं। हाँ। ये होता है पावर। लेकिन आपको सही दिमाग लगाना होगा, सही चीज़ में सही चीज़ सीखना होगा और उसे अप्लाई करना होगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल पर यार सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे जो भी नए हमारे व्यूवर हैं, तो सब्सक्राइब करना, जो भी कमियां हैं या फिर जो चीज़ आपकी डाउट है आपका वो कमेंट करना। फिर मिलते हैं वीडियो में। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।